तुम। हाँ जी बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फीचर दैट इज द ब्लड ग्रुप्स, अकॉर्डिंग टू मेंडल, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने क्या कहा था हमें, हर एक जो फीचर है, हर एक जो ट्रेट है, इट कैन हैव द टू ऑफ द पॉसिबल फैक्टर्स, मेंडल ने जो स्टडी किया, ठीक है, पी प्लांट में सातों करेक्टर्स में, दिस वॉज एप्लीकेबल दैट फॉर ऑल द करेक्टर्स, ओनली टू ट्रेट्स, ओ सॉरी, ओनली टू फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल गिविंग द ट्रेट, ठीक है, बट दिस इज अनदर ट्रेट दैट इज इन द ह्यूमन बींग्स, अनदर ट्रेट दैट इज अ ब्लड ग्रुप, ठीक है, विच इज नॉट कोडेड बाय टू ऑफ द फैक्टर्स बट मोर देन टू, ओके, सो वॉट इज दिस टर्म अलील्स आई हैव रिटन, अलील्स मीन्स वेन When it is more than two of the factors are responsible, more than two अगर हैं तो हम इसको factor या gene word नहीं देंगे, we call it as alleles. Genes नहीं कहते, factors तो कह सकते हैं, but these are called as alleles appropriately in the modern genetics. Okay, so these alleles are responsible for giving this trait that is a blood group, right? For giving this particular character that is of blood group, right? In these, the two of these genes, IA, IB. ये दोनों जो जीन्स हैं यहाँ पे जो आपको नजर आ रही हैं, ये क्या हैं, दीज आर डोमिनेटिंग इन नेचर. अब मेंडल वाले कंसेप्ट में जाएं तो मेंडल के हिसाब से एक डोमिनेंट होता था, एक रिसेसिव होता था, है ना, जब थे ही दो, पर यहाँ पे दो से ज्यादा हो गए तो मोर देन वन भी डोमिनेंट हो सकता है, पर रिसेसिव हमारे पास, दिस इज ओनली वन कंडीशन दैट इज आई नॉट, सो ओनली वन कंडीशन दैट इज आई नॉट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आई, ओके, आई नॉट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आई, राइट, यहां तक क्लियर है, दैट इज इट इज हैविंग ईदर डोमिनेटिंग जीन्स और द रिसेसिव जीन्स, डन, ओके, आफ्टर दिस कम्स द डिफरेंट फिनोटाइप्स एंड द पॉसिबल जीनोटाइप्स. अब ये फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स हैं क्या जो हमें ये वेरियस डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स देते हैं, फिनोटिपिकली वी नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स, दैट आर ओनली फोर, सो फिनोटिपिकली वी हैव फोर ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज ए बी एंड ओ, ओनली फोर ऑफ दीज फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, ए बी एंड ओ, राइट, एंड हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर ईच ऑफ दीज. अब जीनोटाइप्स जब बनाने हैं, फिर से आपको मेंडल वाला ही कंसेप्ट लेना, अगर हमें डोमिनेटिंग फीचर देना है, ठीक है, डोमिनेटिंग फीचर जैसे ए फीचर है या बी फीचर है ना, तो हमें डोमिनेटिंग फीचर्स देने हैं तो हमें क्या करना होगा, अगर ये डोमिनेटिंग फीचर देना है तो दो कंडीशंस हैं, एक है कि डोमिनेटिंग को डोमिनेटिंग के साथ जोड़ दो, कैपिटल टी है ना, दूसरा है कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ जोड़ दो, यानी कि हेटरोजाइगस पेयर बना दो, तो सिमिलर मैनर में ये दोनों भी हमारे पास कोड होते हैं, दैट इज ए कैन बी कोडेड विद होमोजाइगस पेयर ऑफ आई ए जीन, होमोजाइगस पेयर से भी कोड हो सकता है, हेटरोजाइगस से भी हो सकता है, तो हेटरोजाइगस के लिए क्या पेयर है, आई ए आई नॉट, एक डोमिनेटिंग ले लो साथ में एक रिसेसिव का पेयर बना दिया तो हेटरोजाइगस हो गया, डन, ठीक है, सिमिलर वे में फॉर बी, दिस इज आई बी होमोजाइगस पेयर एंड आई बी आई नॉट एज अ हेटरोजाइगस पेयर, डन, ओके, कमिंग टू ए बी ब्लड ग्रुप. अब ए बी में दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं, दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट्स हैं, ए बी आ गया और बी भी आ गया, है ना, तो ए बी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ओनली वेन इट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड ओनली वेन द टू डोमिनेटिंग जीन्स बट नॉट सेम. यहाँ पे तो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट की कंडीशन की बात की थी ना, तो दो डोमिनेटिंग जीन्स जो सेम नहीं हैं वो अगर पेयर कर जाएंगी तो ये एक्सप्रेशन आएगा, मतलब आई ए आई बी का पेयर बनाया और दोनों ने एक्सप्रेशन दे दिया, क्योंकि तो हमने क्या बोला था, इन अ पेयर इफ डोमिनेटिंग इज प्रेजेंट इट हैज टू एक्सप्रेस, है ना, अगर एक पेयर में एक डोमिनेटिंग प्रेजेंट है उसको एक्सप्रेस करना ही है, तो यहाँ पे एक पेयर में ये भी डोमिनेटिंग है ये भी डोमिनेटिंग है, दोनों ने एक्सप्रेस किया तो कंडीशन आ गया ए बी, ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे रेयरेस्ट मिलता है, बहुत कम लोगों में होता है, इसीलिए बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव पेयर व्हिच पॉसिबली मेक्स इट, ओके, सो दिस इज आई नॉट दैट व्हिच इज पॉसिबली कोडिंग फॉर द ओ ब्लड ग्रुप, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज स्मॉल आई, डन, ओके,
So what is this? These are the different genotypes possible for making these phenotypes A, B, A, B and O. Done? Okay. So यहाँ पे अगर अब कुछ भी आपको कंडीशन दिया जाता है, that is for a cross, let's say, अगर आपसे बोला जाता है कि possibly write a question for this. All of you please write a question for this and then we will solve it. A man having, the question is, a man having A blood group marries a woman having B blood group. A man having A blood group marries a woman having B blood group. All their offsprings were of the blood group AB. All their offsprings, maybe 1, 2, 3, jitne bhi offsprings hain, all their offsprings were having the blood group AB. This is of the offsprings. ठीक है, that were having the blood group AB. All of them were having AB. Further, write down. What is the possible genotype in this case? What is the possible genotype of parents in this case? आपसे पूछा है कि ये parents का genotype क्या हो सकता है अगर सारे offsprings AB वाले होंगे. ठीक है, 100% AB होगा. Man का दे दिया A blood group, mother parent का दे दिया B blood group और offsprings में बोल दिया कि सब में AB है. ठीक है, तो क्या possibility आएगी? अब हम ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ये नहीं कह सकते. क्यों? मैं यहाँ पे आई ए आई बी वाला जीन नहीं लगा सकती थी. यहाँ पे ए बी ए बी कर दो और सब में भी ए बी आ गया, वो नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि ए बी अगर जीनोटाइप होगा तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए था, पर ये जीनोटाइप ए बी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिनोटाइप क्या है? ए. तो ए आने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है, या तो होमोजाइगस ए आए या हेटरोजाइगस आए. ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे इट इज हैविंग होमोजाइगस ए फॉर द फादर पेरेंट एंड होमोजाइगस बी फॉर द मदर पेरेंट. ठीक है, हम ये पहला कंडीशन लेके चलते हैं. इज इट जस्टिफाइएबल दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर गेटिंग ए बी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी पेयर आप बनाएंगे, किसी भी पॉसिबल पेयर को आप जोड़ेंगे, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव राइज टू ए बी, है ना. ए बी ग्रुप मिलेगा, सिर्फ 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 कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा दैट इज ए बी ए बी. एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ क्रॉस, एवरी टाइम यू आर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जैसे आप लोगों ने पिछले क्रॉसेस में किया, हर बार आपको एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज ए बी. सो आर आंसर इज करेक्ट, मीन्स द पेरेंट्स वर होमोजाइगस फॉर बोथ द ब्लड ग्रुप्स, होमोजाइगस ए फॉर फादर एंड होमोजाइगस बी फॉर मदर. ये हमारा आंसर है. पर अगर मैं आप दूसरे के केस के साथ आपको करके दिखाऊं, अगर किसी बच्चे ने ये सोचा हो कि हमने हेटरोजाइगस क्यों नहीं लिया, आई ए आई नॉट क्यों नहीं लिया, अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ विद द मदर हु इज हैविंग होमोजाइगस कंडीशन से, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए बी. ओके, दिस अगेन इज गोइंग टू फॉर्म ए बी. परफेक्ट, बट आफ्टर दैट वॉट? दिस रिसेसिव जीन when combined with IB will give rise to the B blood group, है ना. यहाँ पे तो ओके है, ये ए बी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन हो गया IB I नॉट का, तो IB I नॉट में कौन सा ब्लड ग्रुप देना है? B. ऐसे ही ये भी आ गया मेरे पास, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव B. मीन्स वॉट दैट अगर ये क्वेश्चन में कहते हैं कि 50% पॉपुलेशन इज विद ए बी, तो हम ये कह देते हैं कि वन ऑफ द पेरेंट्स इज हेटरोजाइगस. आप उल्टा कर लोगे तो भी ये कंडीशन आएगा, अगर आप इसको हेटरोजाइगस ले लोगे आई बी आई नॉट और इसको ले लोगे आई ए आई ए, तो हमारे पास ए की पॉपुलेशन 50% होगी, ए बी की पॉपुलेशन 50% होगी. पर हमारा आंसर तो क्वेश्चन तो जस्टिफाई नहीं ना हुआ. क्वेश्चन क्या था हमारा? कि सारे ऑफस्प्रिंग्स में ए बी आना चाहिए, तो इसीलिए हम किसी पेरेंट को हेटरोजाइगस नहीं ले सकते, नीदर द मदर और द फादर. समझ आ गया? हमने हेटरोजाइगस क्यों नहीं लिया, मैंने बता दिया कि अगर ये हेटरोजाइगस कंडीशन हम लेते तो जहां पे ये वाला जीन जाने वाला है, आई नॉट जाने वाला है, वहां पे वो ब्लड ग्रुप ही और दे देगा, ए बी देगा ही नहीं. तो इट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर देयर ब्लड ग्रुप्स, दे आर गोइंग टू गिव राइज टू 100% ऑर्गेनिजम्स विद ए बी ब्लड ग्रुप. ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन इन दिस?
हाँ जी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो भी यही आएगा, यहाँ पे आप आई बी आई नॉट ले लो, यहाँ पे आप आई ए ले लो, रिजल्ट बना के देखो, ए बी एंड ए ब्लड ग्रुप जो है वो पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, क्लियर? सो 50% विद ए, 50% विद ए बी, 50% विद बी, 50% विद ए बी एंड 100% विद ए बी व्हेन बोथ वर होमोजाइगस, डन? तो ये क्या है कि अभी हमें जीनोटाइप ऐसा पूछा गया पेरेंट्स के लिए, इसी रिलेटेड आपको कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, दैट इज यू कैन बी गिवन अ क्वेश्चन लाइक आपको ऑफस्प्रिंग्स में ब्लड ग्रुप दिया है और आपको पॉसिबल जीनोटाइप पेरेंट्स का पूछ रहे हैं, या आपको पॉसिबल जीनोटाइप ही पेरेंट्स का दे दिया है ना, हमने बोल दिया कि बोथ द पेरेंट्स आर हेटरोजाइगस ए एंड बी, ठीक है, एक पेरेंट हेटरोजाइगस ए है, एक पेरेंट हेटरोजाइगस बी है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स गेटिंग ऑल द ब्लड ग्रुप्स? तो ऑफस्प्रिंग्स में सारे ब्लड ग्रुप्स के आने के चांसेस कितने कितने हैं? ईच विल बी दैट विद द 25% चांसेस, ठीक है? आप क्रॉस बना के देखो, हेटरोजाइगस ए का हेटरोजाइगस बी के साथ, तो पहला कॉम्बिनेशन ए बी का है ना, दूसरा कॉम्बिनेशन ए, तीसरा कॉम्बिनेशन बी, चौथा कॉम्बिनेशन ओ, ठीक है? तो चारों कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए एंड वन आउट ऑफ फोर सबका पॉसिबिलिटी 25%, ठीक है? तो ऐसे में पेरेंट्स का जीनोटाइप देके ऑफस्प्रिंग का पूछा जा सकता है, ऑफस्प्रिंग्स का देके पेरेंट्स का पूछा जा सकता है, सो एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम दिस, ओके, डन? नाउ द लास्ट टॉपिक विच इज लेफ्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स. फॉर दिस फर्स्टली राइट डाउन द क्वेश्चन, first write down the question for the last topic. In the Indian society, write down the question, in the Indian society usually the females or mothers are blamed for giving birth to a female child, for giving birth to a female child. Is this statement true? Justify it biologically. So in our Indian society, basically the females, they were blamed for giving the birth to the female child and a girl child, usually that is always the mothers, they are in the lower societies, if we see the mothers, they are always blamed for this, right? In the higher educated families it is not the case, but in the lower cases, in the lower societies, usually the people, those who are not well aware about or well educated, they usually face this particular problem, right? Earlier ages mein kya hota tha ki jo female feticide hai, that was made possible because initially the doctors, they could also tell before birth that is the new being is going to be a female or a male. So usually the females, they were killed before they were given birth to, right? So that is as a, in the condition of the fetus, that is as when they were in the form of a fetus, only then the females were killed. That is called as a female feticide. So initially this was happening. After this, because a lot count of the female feticide cases were coming, so government banned it and banned the testing of this priorly, that is before birth, test nahi hona chahiye for the child that it is going to be a male or a female, in Indian society especially, foreign mein aisa nahi hai, but Indian society mein. But here then afterwards, when government banned the testing, then what happened? If the female is given birth, then the female child is basically thrown somewhere, hai na? और पॉसिबली उसको कहीं ना कहीं रख के आ जाया जाता है, तो ऐसा कंडीशंस जो है वो होती रही हमारी इंडियन सोसाइटी में, एंड इट इज ऑलवेज द मेंटालिटी ऑफ द मेल्स ऑफ द ह्यूमन सॉरी ऑफ द इंडिया, दैट इज दे आर ऑलवेज ब्लेमिंग द मदर्स फॉर दिस, राइट? बट बायोलॉजिकली इफ वी सी दैट वेदर दिस इज द कंडीशन ओनली दैट द फीमेल्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबली गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड और टू द गर्ल चाइल्ड, are they always responsible? Biologically looking onto this factor, they are not possible, right? They are not the only one culprits, you can say, okay? Females are not there. Basically it is not in the hand of us, right? It is not in the hand of the human beings, it is all in the hand of the nature, in the almighty God, right? But looking onto the fact that what actually leads to the maleness or a femaleness of a child of a new organism
that is the chromosomes of the male, that is the father, not the mother. Okay, male ke jo chromosomes hai, usse responsibly aage female child, girl child banega, ya boy child, jo male child hai, uska birth hoga. So that is basically responsible only is the chromosomes from the father. Okay, but still fusion is not in the hands of the human beings, right? So what is the fact behind it? So when we see the chromosomes, you know, what are the chromosomes? They are the structures which carries the DNA and the proteins, and they are packed within our cells. They have the information all in the form of the genes. Genes are padhte aaye pure chapter heredity mein, okay? So chromosomes, they are in human beings, because we are only studying the humans. We have 46 chromosomes in a cell, right? In these 46 cells, among us, these 46 cells, there are 44 of a kind, that which provides the general features to all the living organisms, means to all the humans. Okay, 44 general features means 44 chromosomes carrying all the genes for the general features. Jaise male female hai, to usme height bhi hoga, skin color hoga, skin texture hoga, hair texture hoga, hair color hoga. Matlab wo kya hai, wo same features hai. Male hai ya female hai, sare features same hai ye wale, theek hai. So wo jo sare similar features provide kiye ja rahe hain, they are by the set of chromosomes, 44 out of 46, which are called as autosomes. Okay, the rest two, that is do jo reh gaye hain ab hamare paas, these are the two chromosomes, that is the last pair of the chromosomes. Agar hum pairing kare to we have 23 pairs. Okay, the last two chromosomes, that are XY for a male and XX for a female, hai na. तो ये जो फीचर्स हमारे पास हैं, जो लास्ट टू क्रोमोसोम्स हैं, उनकी वजह से रिस्पॉन्सिबली मेल और फीमेल के अपने अपने जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स आप लोग ने पढ़े हैं जूनियर क्लासेस में, वो पॉसिबली सिर्फ इन दो क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं. मीन्स अ मेल बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अ फीमेल बॉडी बिकॉज ऑफ दीज क्रोमोसोम्स हैविंग द बियर्ड एंड द मस्टैचेस एंड एवरीथिंग. सो दोज आर द फीचर्स रिस्पॉन्सिबली बिकॉज ऑफ दिस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स. डन. दैट द मेल फीचर्स और द फीमेल फीचर्स आर प्रोवाइड बाय दिस. What do we call these two chromosomes as? They are called as the sex chromosomes or chromosomes, or they are called as allosomes. Okay, what are these called as? Allosomes or the sex chromosomes. Done. Now when the further these chromosomes will be transmitted to give the rise to the gametes and further the new offspring, how it is going to done, how it is going to be there, if we make a cross, that is sabse pehle cross banane mein hum log kya karte hain, parents pehle banayenge. So parents mein, is condition mein parents jo hain, that is there is a male parent and there is a female parent. Okay, a male parent and a female parent. So male parent is having 44 plus XY condition, 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है. द फीमेल पेरेंट इज हैविंग 44 प्लस XX कंडीशन, ये भी 46 हो गए. अब जब गेमीट्स बनने हैं, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी गिवन टू द गेमीट्स, राइट. सो हाफ करना है ऑटोसोम्स का, तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा 44 में, तो एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, दैट इज 22 ईच, ठीक है. सो दो गेमीट्स बनाए, 44 तो हाफ ऑफ हो गए, 22 बन गए. एंड व्हाट अबाउट दिस लास्ट पेयर, यहां से एक एक्स कहीं एक तरफ चला जाएगा और वाई कहीं एक तरफ चला जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे गेमीट्स में. तो यहाँ पे आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया वाई, ठीक है. गेमीट्स बने, 44 का तो एग्जैक्ट हाफ हो गया ना, 22 22, लेकिन एक्स और वाई सेपरेट हो गए, ठीक है. सिमिलरली गेमीट्स फॉर द मदर पेरेंट, दैट इज 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स है. अब यहां पे इस स्टेज पे अगर हम देखें तो व्हाट द फीमेल्स आर प्रोड्यूसिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग 100% सिमिलर टाइप ऑफ द गेमीट्स. सारे गेमीट्स उनके सेम है ना, ऑल विद 22 प्लस एक्स, है ना. व्हाट इज हेयर इन द केस ऑफ द मेल पेरेंट, दे आर प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ द गेमीट्स विद वाई क्रोमोसोम, 50% ऑफ द गेमीट्स विद एक्स क्रोमोसोम. और जब ये कंबाइन करेगा, एक्स जहां पे भी जाएगा वो फीमेल रिजल्ट करेगा. फीमेल ने तो देखो एक्स ही देना है, क्योंकि है ही 100% एक्स वाले क्रोमोसोम्स है उसके पास, है ना. तो फीमेल इज नीदर नो वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. व्हाट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इज दिस वाई वाला गेमीट. तो फ्रॉम द होल 100% पॉपुलेशन ऑफ द गेमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फादर पेरेंट, द 50% ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स, इफ दे गिव
fertilization with the X, that will result into the male child. Otherwise, a female child. And so what is deciding this? It is only the Y chromosome, right? So make this for the F1 generation. Further make it for F1 generation. That is the next generation. Next generation mein phir se wohi humne jaise TT crosses mein kiya tha. So one gamete from father, another from the mother. That results into 22-22. Phir se fuse ho gaya 44 plus X, X. Hai na, combination kya hua? X idhar se, X idhar se. Then further 22 plus X here and 22 plus X here. That is 44 plus XX. Right? Next is this Y chromosome. When this is going to fuse, this is going to result in XY combination. And when the same chromosome Y wala gamete fuses with another of the female gamete, that results into a male again. So there is, these are the female child, that is the girl child, and these are resultants of the boy child. Done. And how much is the percentage? It is 2 out of 4 for a girl child. That is, it is going to be, agar aap iski calculation karoge, their chances are 50%. Why? That is because 50% of the population was having X chromosomes from the male gametes. Okay. Similarly, 2 out of 4 for a male child. So this is again calculatively comes out to be 50%. You know? So by rule, by nature, it is 50% chances to get a female child, 50% chances to get a boy child. But again, getting a girl child is always a blame given to the mothers in our lower societies. Now, is this justifiable? No. The females should not be given the blame for this. Because first thing possible is, it is only the Y chromosome which decides whether the organism is going to be a boy. Wherever the Y chromosome mixes with the female gamete will result into the male child. Okay, because females, they are producing 100% same gametes. Where the difference lies is in the population of the gametes produced by the male parent. Done. Second reason is also the fusion of these gametes is not in the hand of either a mother parent or a father parent. And what gametes are going to fuse, that is not in the hand of the any of the human beings, provided they are not doing it artificially. Artificial manner mein agar fusion dilwana ho to artificially chromosomes jo hai wo check kar liye jate hain, and artificially they are also mixed together depending upon, because there you can have a knowledge of the chromosomes, right? But checking of this, that is testing for the male child or the female child before birth, that has also been banned in Indian government. Okay. By Indian government, sorry, in Indian society. So this was all about this chapter. We have finished this chapter. We'll be starting with the new one tomorrow. Yes. Any question, any doubt to anyone?